सो गाइज वेलकम टू येट अनदर डे इन लखनऊ. आज है सैटरडे एंड आज हमें वापस आना है. आज एक छोटा सा कुछ करना है लखनऊ के अंदर, तो वो करने के बाद वील मूव बैक टू गुड़गांव. तो राइट नाउ अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 7:30 एंड वी आर ऑन द वे टू शर्मा जी की चाय. बिकॉज अगर लखनऊ आए हैं और आपने चाय नहीं पी शर्मा जी की तो आपने कुछ बहुत बड़ा मिस कर दिया है. सो लेट्स गो एंड लेट्स शो यू कि वहाँ पे क्या आज हो रहा है. ये एरिया है ऑफ शर्मा जी. ये आप जाम देख रहे हो ना, ये इसलिए है बिकॉज यहाँ सब लोग आ रखे हैं टू हैव चाय, बनमस्का एंड समोसा. ये जो शॉप है बहुत ज़्यादा पुरानी है एंड बहुत भीड़ होती है यहाँ पे. अगर आप यहाँ पे देखें ना, ये लाइन जो लगी हुई है ना, ये दिस इज ऑल अबाउट शर्मा जी की चाय. सो लेट्स एक्सप्लोर दिस. तो गाइज ये है बन मक्खन, और अगर आप मैं इसको खोल के दिखाओ ना तो इसमें होता है वाइट मक्खन. दिस इज ऑल वाइट मक्खन. ये साथ ही बना के देते हैं. ये देखो, ऊजिंग मक्खन फ्रॉम द बन. इनके समोसा गोल होता है, बहुत ही अलग होता है, बहुत अच्छा होता है. देन वी हैव अ कुल्लड़ चाय. तो इससे पहले ये ठंडी हो जाए, लेट्स हैव इट एंड लेट्स ऑल्सो सी कैसा दिख रहा है ये शर्मा जी की चाय. और ये है नावल्टी. नावल्टी नहीं, लखनऊ की भाषा में इसको बोलते हैं नावल्टी. नावल्टी चलोगे? नावल्टी लखनऊ वालों, नावल्टी. सुबह की चाय तो हो चुकी है एंड अभी मेरे को निकलना है एक छोटी सी पूजा के लिए. तो वो करना ज़रूरी है, वो करेंगे एंड उसके बाद फिर थोड़ा सा मेरे को कुछ पैक कराना है फॉर समवन जिसने कुछ ऑर्डर करा हुआ है. लखनऊ जाओगे तो लेके आना, तो वो पैक कराएंगे एंड उसके बाद वापस चलेंगे टूवर्ड्स दिल्ली. ये है जी मक्खन मलाई फ्रॉम मोती महल. लखनऊ में आके विंटर्स के टाइम पे ये नहीं खाया तो क्या नहीं खाया, क्या खाया आपने? प्लस देन वी ऑल्सो हैव कुल्फी फलूदा, मतलब दिस इज सो सो गुड. तो ये भी खा रहे हैं एंड इसके बाद हम लखनऊ की जर्नी संपन्न करके आगे बढ़ेंगे गुड़गांव की तरफ. और जी ये है दही भल्ला ऑफ रॉयल कैफे. तो ये भी एक बार चख लिया जाए बिकॉज अब लखनऊ आए हैं और अभी निकलना ही है. तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जिससे जिसको खाने का मन होता है और उसके बिना निकलना पाप लगता है. तो ये खाते हैं उसके बाद निकलते हैं आगे. तो जी देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे विच इज़ आगरा एंड लखनऊ, उस पर आपका स्वागत है. अभी आगे से 1 किलोमीटर बाद ये स्टार्ट हो जाएगा एंड देन वी विल हिट द एक्सप्रेसवे. सो गाइस बहुत नींद आ रही है बिकॉज बहुत देर से इस वाले हाईवे पे चल रहा हूँ, एक्सप्रेसवे पे. एंड अब मैं सोच रहा हूँ कि गाड़ी को डालता हूँ क्रूज पे. तो अभी 93 की स्पीड है और मैंने इसको डाल दिया है क्रूज पे. इसको ऑलमोस्ट 100 करके छोड़ देते हैं. अगर आप हाईवे देखें सामने, हाईवे बिल्कुल मस्त है, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है. तो अब मैं काम करता हूँ कि मैं आराम से पैर ऊपर करके सो जाता हूँ बिकॉज नींद आ रही है. हाथ छोड़ देता हूँ, आगे ट्रक आ रही है, कोई बात नहीं, गाड़ी क्रूज पे चलती रहेगी अपने आप. तो ये काफ़ी अलग फीचर है इस गाड़ी का, जिसमें यू कैन पुट इट ऑन क्रूज एंड आप चाहो तो सो जाओ ऐसे करके, क्योंकि गाड़ी तो अपने आप ही चलना है, कुछ नहीं करना है. कोई गाड़ी आगे आएगी तो गाड़ी अपने ब्रेक मारेगी और वही स्पीड मेंटेन करेगी. तो इस गाड़ी में XUV 700 में आप आराम से सो सकते हैं. अगर आप ऐसा सोचते हैं तो बिल्कुल गलत है जो मैं कह रहा हूँ. इट इज़ जस्ट अ डेमोन्स्ट्रेशन कि आपको ऐसा नहीं करना है. गाड़ी आपकी है, गाड़ी आप चला रहे हैं, गाड़ी आपको नहीं चला रही है. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है. तो जब भी आप ऐसा कुछ करना चाहें प्लीज़ एक बार सोच लीजिएगा कि ये बिल्कुल गलत है. क्रूज कंट्रोल एक ऐसा फीचर है जो कि आपको हेल्प करता है कि गाड़ी अपने आप चले. इसका मतलब ये नहीं कि आप पैर ऊपर करके बैठ जाएं ऐसे और आप स्टीयरिंग में हाथ ना हो, ठीक है.
अगर आप सामने हाईवे देखेंगे इस टाइम पे तो हाईवे खाली है, बट फिर भी आपका हाथ कहाँ होना चाहिए? स्टीयरिंग पे, पैर कहाँ होना चाहिए? आपके नीचे होने चाहिए, बिकॉज न जाने कब कुछ भी हो सकता है. तो ऑलवेज रिमेम्बर एंड बी सेफ एंड ड्राइव सेफली. जो आपको फीचर्स दिए जाते हैं ऐसी गाड़ियों में वो बहुत अच्छे होते हैं, बट उनका मिसयूज करना बिल्कुल नहीं चाहिए. एंड इसी उम्मीद के साथ मैंने ये वीडियो बनाया कि आपको एक सीख मिलेगी. जो मैंने करा बिल्कुल गलत था. दिस इज फॉर जस्ट फॉर द वीडियो पर्पस. एंड ऑलवेज ड्राइव सेफ एंड बी अलर्ट व्हेन यू ड्राइव. थैंक यू. तो भाई अभी तक का मामला ये हो रहा है कि हमने लखनऊ से स्टार्ट किया एग्जैक्टली 2:30 बजे एंड गाड़ी चल चुकी है 3:07 जो कि दिखा रहा है. 3 घंटे में हमने कवर करे हैं 321 किलोमीटर और हम आगरा वाले बाईपास तक पहुंच चुके हैं और एवरेज स्पीड दिखा रहा है 102 क्योंकि सिटी में बहुत ट्रैफिक था, बट हाईवे पे हमने स्पीड अच्छी मेंटेन करी है, सेफ मेंटेन स्पीड करी है. तो इस टाइम पे अगर आप देखिए 3 घंटे में हमने मोटा मोटा 320 किलोमीटर चलाई है, विच मीन्स 180 मिनट में 320 किलोमीटर, विच इज़ वेरी गुड. अब हमें लगेगा 1.5 घंटा और टू रीच नोएडा एक्सप्रेसवे एंड वहाँ से भी जितना टाइम लगे गुड़गांव पहुँचने में. तो अब तक का हाल ये है, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में. तब तक के लिए आप इंजॉय करिए ये रूट जो अब आपको दिखेगा, आगरा एक्सप्रेसवे. सो गाइस देखिए अभी क्या है, मैंने अभी एक्सयूवी 700 की हेडलाइट ऑन नहीं करी हुई है. तो अभी रात का समय होने वाला है, हल्की सी शाम है, अभी थोड़ी देर अंधेरा हो जाएगा. आई जस्ट हैव टू शो यू कि जब मैं इसकी लाइट चलाऊंगा तो एकदम से क्या इफेक्ट आएगा. तो आप ये देखो, ये आता है इफेक्ट जब मैं लाइट चलाता हूँ एक्सयूवी 700 की, जबकि रात अभी नहीं हुई है. अब आप देखते हैं उस साइन बोर्ड पे, तो इतना इम्पैक्ट करती है इसकी जो हाई डिफिट लाइट है इसकी, एंड इट्स अ वेरी गुड लाइट. तो बस ये दिखा रहा था आपको, लाइट ऑन करती है. चलो ये देखो जी, ये मुझे मैसेज आ रहा है कि टेक अ ब्रेक बिकॉज मैं गाड़ी चला रहा हूँ पिछले ऑलमोस्ट 4 घंटे से, शायद 4.5 घंटे से. तो अब इसको लग रहा है कि मैं थक चुका हूँ, तो आई शुड टेक अ ब्रेक. तो ये सारे छोटे छोटे फीचर्स होते हैं विच मेक्स अ डिफरेंस. बट ठीक है, अभी ब्रेक कह रहे हैं ये लोग तो ले लेते हैं, गाड़ी रुकते हैं 5 मिनट के लिए. एंड बाय द वे नोएडा इज ओनली लाइक 50 किलोमीटर्स, विच विल जस्ट टेक 20 मिनट्स टू रीच नोएडा. और ये देखो जी, अगर मैं ड्राइवर्स अटेंशन लेवल देखूँ तो ये दिखा रहा है कि मेरा अटेंशन थोड़ा लो हो चुका है बिकॉज बहुत ड्राइव करी है. तो ये गाड़ी सेंस भी कर लेती है कि ओवरऑल क्या चल रहा है ड्राइवर के दिमाग में और उसका क्या मूड है. तो कह रहा है टाइम फॉर अ ब्रेक. सो अभी हम यहाँ रुके हैं टू टेक सम ब्रेक. एंड गाड़ी काफ़ी गंदी हो गई है, यहाँ चाय लेते हैं, कुछ लेते हैं, एंड देन उसके बाद निकलते हैं थोड़ी देर में. एंड देन उसके बाद देखते हैं क्या ये मेरा अटेंशन लेवल बेटर हुआ या नहीं हुआ. चलो जी, चाय पीने के बाद लेट्स मेक अ मूव एंड रीच नोएडा एंड देन गुड़गांव. यहाँ रुके हुए थे मैजिक फूड जोन, आई थिंक नया खुला हुआ है ऑन द एक्सप्रेस वे, नॉट टू गुड. अभी काम चल ही रहा है इनका, बट ठीक है. तो अभी बस निकलते हैं एंड लेट्स रीच होम इन नेक्स्ट 1 आवर. ये देखो जी, फाइनली अब आ गया है ड्राइवर अटेंशन लेवल जो मेरा पूरा आ चुका है बिकॉज चाय पी ली है एंड आई एम फीलिंग मच बेटर. तो गाड़ी को चल गया पता कि भाई सब सही है, अब वी कैन ड्राइव आराम से. सो लेट्स मेक अ मूव. फाइनली रीच्ड नोएडा एक्सप्रेस वे को बोलते हैं थैंक्स एंड बाय. और अब लगेगा हमें यहाँ से ऑलमोस्ट 1.5 घंटा टू कवर जस्ट 50 किलोमीटर्स. चलो लेट्स बिगिन दिस जर्नी ऑल्सो. सो गाइस फाइनली घर पहुंच चुके हैं और सामान निकालते हैं एंड घर चलते हैं. इफ यू लाइक द वीडियो डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड सी यू टुमारो.